अच्छा चलिए आप एक और सवाल पूछ लेती हूँ। डॉलर के मुकाबले गिरता हुआ रुपया देश की गिरती हुई साख का प्रतीक था। 58 रुपए पर आपको रुपया मिला था, आज 83 रुपए पर है, तो देश की साख आप जानती हैं, आपको कुछ पता है, मुझे मालूम नहीं आप क्या कहना चाह रही है, और इसीलिए मुझे आपके शो में आना अच्छा नहीं लगता है। आप एक बड़े तंजिया ढंग से बात करती हैं, और जब आपकी बात है, वेलकम टू हिलर मीडिया दोस्तों। कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने वाली भाजपा जिस दंभ के साथ ठीक एक दशक पहले तमाम भाजपा नेता और खासकर मोदी जी महंगाई बेरोजगारी से लेकर डॉलर के मुकाबले गिरते रुपये की तुलना देश के मान सम्मान से क्या करते थे, अब जब एक दशक बीत चुका है, अब जबकि गोदी मीडिया सरकार और भाजपा प्रवक्ता से भले ही सवाल पूछने की ताकत न रखते हों, लेकिन जब एक पत्रकार के द्वारा भाजपा प्रवक्ता से ताबड़तोड़ सवाल पूछे जाते हैं तो देखिए कैसी हालत हो जाती है इस विस्फोटक डिबेट में। 10 साल पहले आप वोट मांगते कांग्रेस के करप्शन पर, कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर, महंगाई पर, जमकर घेरते, घेरा भी, सरकार भी बनाई, लेकिन 10 साल बाद ये मुफीद लगता है जो पार्टी 3 में नहीं 13 में नहीं बामुश्किल 3 राज्यों में जिसकी सरकार है उसको घेर कर आप वोट मांगे। आइए देखते हैं मलाया। ऐसा नहीं है कि हम भ्रष्टाचार की बात नहीं करते। आपने अगर मोदी जी के भाषण सुने होंगे तो बार बार और कई बार भ्रष्टाचार पर वार करने की बात कही है मोदी जी ने, और ना ही सिर्फ ये, जहां तक बात है जो हमने कुछ करके दिखाया है 10 साल में, तो मैं उसको उसका कच्चा चिट्ठा आपको अभी दे सकती हूँ। आर यू कॉमेडी मी? पूरा हिसाब दे सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है मोदी जी के साथ साथ, हमारे गृह मंत्री के साथ साथ, सारे हमारे स्टेट्स के सीएम्स के साथ साथ, 40 से ज्यादा यूनियन मिनिस्टर्स के साथ साथ, बार बार जो है हम लोग बताते हैं कि चाहे वो रोड्स हो या फिर हाईवेज हो या फिर वंदे भारत हो या फिर एयरपोर्ट्स हो या आईआईटीज हो या आईआईएम्स हो या मेडिकल कॉलेजेस हो या प्राइमरी स्कूल्स हो या फिर स्टार्टअप योजना हो या फिर मुद्रा योजना हो या फिर इन्फ्लेशन हो, और उसमें किस तरह से उसमें कितना बदले हुए आंकड़े हैं यूपीए के बनिस्बत 10 साल जो हमारी पार्टी के रहे हैं, कितने बदल गए आंकड़े। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे आईआईएम और आईआईटी से शुरुआत कर लेते हैं। आईआईटी आपने कितने बनाए, उन्होंने कितने बनाए बता दीजिए, क्योंकि आज मैं चाहती हूँ ये 10 साल बनाम 10 साल की डिबेट हो। हाँ बिल्कुल, देखिए मेडिकल कॉलेजेस जो है 387 थे ये 2014 में, आज बढ़कर 706 हो गए हैं। आईआईटी और आईआईएम, मैं आ रही तफसील सब कुछ बताऊंगी ना। जो सीट्स थी मेडिकल कॉलेज में वो 51,000 थी, वो 1,00,000 से ज्यादा बढ़ गई हैं। यूनिवर्सिटी जितनी थी 676 करीब 670, वो डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। मेडिकल कॉलेजेस भी डबल हो गए हैं, सीट्स डबल हो गई हैं। अब मैं आती हूँ आईआईटीज पर। आईआईटीज होती थी 6, अब वो बढ़कर हो गई हैं 11, और वही अब आईआईएम्स देखेंगे तो कितनी बनाई शाजिया 10 साल में, उन्होंने कितना बनाया, आईआईटी आपने कितना बनाया। मैं आपको अभी उसके आंकड़े देती हूँ, मुझे आप 2 मिनट दीजिए, आप किसी और के पास जाइए, मैं भी आपको नए नए आंकड़े बता देती हूँ, क्योंकि मैं हूँ आप ही पर, आप ही से, आपसे आगे बढ़ूंगी बाद में, पहले आपसे मैं गुफ्तगू कर लूँ। अच्छा बात नहीं है। मैं आईआईटी और आईआईएम जिसका बहुत जिक्र होता है क्योंकि मैनेजमेंट के बड़े संस्थान, टेक्नोलॉजी के बड़े संस्थान, तो मनमोहन सिंह ने कितने आईआईटी और आईआईएम बनाए 10 साल में, कमजोर बहुमत की सरकार के बावजूद, और आपने कितने बनाए? आईआईएम नहीं बनाया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी सरकार ने कितने बनाए। दोनों का मुझे वक्त देना पड़ेगा, दोनों का अगर आप ठीक है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मोदी जी ने 3 नए आईएम्स का और परमानेंट जो कैंपस थे 3 IIT का इजाफा किया है, और उसके साथ साथ 13,000 करोड़ रुपए का, जिसमें परमानेंट कैंपसेस हैं, 20 केंद्रीय विद्यालय हैं, और 3 नए IIT हैं और 13 नवोदय स्कूल्स हैं। अच्छा, उनकी भी शुरुआत ऑलरेडी कर दी है। यानी कि
कि 2000 आप सुनेंगे तो तभी तो पूछ पाएंगी। नहीं नहीं मैडम, अगर आप सुनेंगे तभी तो पूछ पाएंगी। आपने एक सवाल पूछा, मैंने आपने इंतजार भी किया, जब मैं जवाब दे रही हूँ तो आप सुनना नहीं चाहते। नहीं, मैं समझ में नहीं आ रही बात। कंपैरिजन रख देती हूँ आपके सामने, अगर आप मुझे इजाजत दे दो। नहीं नहीं, पूरी इजाजत है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मनमोहन सरकार में आईआईटी बने 7 और मोदी सरकार में आईआईटी नहीं, 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 आप कंफ्यूज हैं। नहीं, मनमोहन सरकार में नहीं बने, ये नेहरू जी के टाइम से अब तक की बात कर रहे हैं। मनमोहन जी से नहीं, मैं आपके सामने 2008 से 2012 का आंकड़ा लग नहीं, आपका आंकड़ा है। मनमोहन सरकार में कभी 7 आईआईटी नहीं बने हैं शाजिया। 2008 में बता देती हूँ और आप क्रॉस चेक कीजिएगा। 2008 में रोपड़ में आईआईटी बना, 2008 में भुवनेश्वर में बना, 2008 में गांधीनगर में बना, 2008 में हैदराबाद में बना, 2008 में जोधपुर में बना, 2012 में वाराणसी में बना। पुराने जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से उनको आईआईटी देकर अपग्रेड किया गया है, वो नए नहीं बने हैं, उनको अपग्रेड किया गया है। बिल्कुल भी उनमें से कोई भी नया नहीं है, उनको अपग्रेड करके पुराने। ये तो शाजिया आपने भी किया, आपने आईआईटी बना दिया, ये तो आपने भी किया। नहीं मैंने नहीं किया, ये तो आपकी सरकार ने किया। परमानेंट आईएसएन धनबाद को आपने आईआईटी बनाया। ये कैसे हो, आप कैसे बात करेंगी? देखिए, हो पाएगा ऐसे संभव? इंडिया लड़ाई झगड़ा चल रहा है हमारे और आपके बीच में। सुन लीजिए शाजिया, आपने कहा नहीं, आप उन्होंने आईएसएम धनबाद को आपने आईआईटी बनाया कि नहीं बनाया? आपको जवाब नहीं देना है मैडम, आपको जवाब नहीं देना है, मुझे जवाब देना है। ठीक है मैम, तो सुन लीजिए आप, जो नए आईआईटी बने हैं बाकायदा, आईआईटी तिरुपति, आईआईटी जम्मू, आईआईटी भिलाई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कांचीपुरम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स इन कानपुर, और 2 कैंपसेस है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी देवप्रयाग एंड उत्तराखंड एंड अगरतला, ये है। मैं ये इस डेटा जो है, मैं इस डेटा पर फॉर्मली स्टैंड बाय करती हूँ शाजिया। ये काम हुआ है 9 साल में। मैं इस डेटा पर जो मैं लेकर बैठी हूँ फॉर्मली स्टैंड बाय करती हूँ, और मेरा डेटा ये कहता है कि मोदी सरकार में 7 आईआईटी बने और मनमोहन सरकार में भी 7 आईआईटी बने। मनमोहन सरकार में आईआईएम बने 7 और मोदी सरकार में आईआईएम बने 8। ये मेरा डेटा, तो तकरीबन जितना काम उन्होंने किया उतना काम आपने किया। अच्छा तो नहीं नहीं तो आप मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहना चाह रही हैं। तू जा छुट्टी पे चला जा, तेरे से नहीं होने वाला कुछ। आप क्या कहना चाह रही हैं? मैंने आपको आईटी की आपने बात की, मैं आपको बता रही हूँ। नहीं आप मुझे मालूम नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं, और इसीलिए मुझे आपके शो में आना अच्छा नहीं लगता है। आप एक बड़े तंजिया ढंग से बात करती हैं, और जब आपकी बात का जवाब दे दिया जाता है तो आप मुझे लगता है बहुत ही डिफेंसिव हो जाती हैं। मैंने आपसे बताया मोदी जी के टाइम में जितने मैंने बताए हैं आपको, मेरे शो में बहुत सारे लोग आना पसंद नहीं करते। देखिए अच्छा नहीं, क्योंकि मैं सवाल पूछती हूँ शाजिया, आदत नहीं है, सवाल पूछती हूँ शाजिया, तकलीफ में आ जाते हैं लोग, और सिर्फ आपके साथ होती है। मैं सवाल पूछती हूँ शाजिया, इसलिए अच्छा चलिए एक और सवाल पूछ लेती हूँ। डॉलर के मुकाबले गिरता हुआ रुपया देश की गिरती हुई साख का प्रतीक था। 58 रुपए पर आपको रुपया मिला था, आज 83 रुपए पर है, तो देश की साख आप जानती हैं। आपको कुछ पता है कि 2 स्वान इवेंट्स हुए हैं, कोविड की महामारी हुई है। क्या आप जानती हैं कि सप्लाई क्राइसिस, सप्लाई चेन क्राइसिस कितना बड़ा है? उसके बावजूद जो हम इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहे हैं, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी हमें कह रही है कि हमने कमाल कर दिया है। 2009 में भी ग्लोबल स्लोडाउन आया था इन्फ्लेशन है, आपको पता ही है। ग्लोबल स्लोडाउन 2009 में भी आया था, आप तो मुझसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, जानती हैं। अरे भाई 2009 में ग्लोबल स्लोडाउन देखिए, अगर आप अपना मतलब मुझे कहना चाहिए कि मैं कोई गलत वर्ड नहीं करना चाहती, अगर आप दिखाना चाहती हैं अपना इग्नोरेंस और आप लड़ना चाहती है तो मैं उसके मूड में नहीं हूँ। मैं तो सवाल पूछ रही हूँ शाजी, और बड़ी नहीं, नहीं, आप बाद में सवाल पूछ लीजिएगा। देखिए आपने सोच लीजिए आप कैसे बात करेंगी। रुपए पर जो रुपया था आपसे, तो कहा थोड़ी देर में देश की गिरती हुई साख का धन्यवाद धन्यवाद 83 रुपए पर है रुपया। आप थोड़ी देर में बात कर लीजिए।
प्रोफेसर विनीत। तो साथियों, अल्पज्ञानी और मुद्दों से बाहर बात करने वाले प्रवक्ताओं की एक लंबी जमात है गोदी मीडिया डिबेट में, लेकिन कुछ पत्रकारों ने अपनी ईमानदारी के साथ सत्ता दल हो या विपक्ष, तीखे सवाल पूछने की साहस दिखाई है। सवालों पर भाजपा प्रवक्ता के पास ठोस जवाब न होना उनके गुस्से में देखा जा सकता है। जिस रुपये का जिक्र कर मनमोहन सरकार को मोदी जी ने घेरा था, आज उसी रुपये की हालत क्या है हम सभी जानते हैं। इस डिबेट पर आपकी क्या राय है कॉमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।